Dear students, in this module, we are going to talk about structural functionalism. Structural functionalism is basically one of the major theoretical perspectives in the field of sociology that helps us to understand the social phenomenon, the human behavior, from a particular standpoint. By that particular standpoint, we mean to say that there is a particular lens. अ पर्टिकुलर क्लासेज थ्रू विच वी द वर्ल्ड अराउंड अस सो इट्स अथरेटिकल अप्रोच दैट व्यूज द सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम मेड अप ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स दैट वर्क टूगेदर एंड दे मेनटेन द सोशल एक्वेलेब्रियम यानी स्ट्रक्चुरल फंक्शनिज्म की बेसिक एक्जम्पन ये है कि माशरा जो है वो इंटर डिपेंडेंट पार्ट्स से मिल के बना होता है बाई इंटर डिपेंडेंट पार्ट्स उनकी मुराद ये होती है कि हर इंस्टीट्यूशन हर ग्रुप या हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करता है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन या ग्रुप जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रख सकता चीज़ें जो हैं सोसाइटी के अंदर या जो भी ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये डिपेंडेंसी जो है ये डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेबर्स के ज़रिए होती है वर्क स्पेशलाइजेशन के ज़रिए होती है और हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर फ़र्द वाहिद के लेवल के ऊपर हम देखें तो हमें ये नज़र आता है कि एक आदमी जो है अगर वो एक ख़ास तरह से अपने आप को ट्रेन कर रहा है एक ख़ास हुनर की तरबियत हासिल कर रहा है जैसे हम मिसाल लेते हैं एक सोशालोजस्ट है अगर वो सोशोलोजी की एजुकेशन ले रहा है तो उसको माशरे के अंदर सर्वाइव करने के लिए बहुत से लोगों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है एजुकेशन सिस्टम में आएगा तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा अपने कॉलिग फैलोज़ के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा इसी तरह जब वो माशरे में जाएगा अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुख्तफ जो स्पेशलाइजेशन हैं वो उसके लिए यूज़फुल हैं उसको ड्राइवर्स की भी ज़रूरत है उसको काबलर की भी ज़रूरत है उसको एक कपड़े सीने वाले दर्जी की भी ज़रूरत है तो ये सारी जो लोग हैं ये मिल के एक इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी क्रिएट करते हैं और ये ऑन द नट शेल जब हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है अगर कोई एक सोसाइटी का एस्पेक्ट या एक ग्रुप जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता तो उसका असर जो है उसके बाकी एस्पेक्ट्स uh, के ऊपर भी पड़ता है इसको वो बायोलॉजिकली uh, uh, भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म्स होते हैं इंसान के एक बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो मुख्तफ अज़ा जो हैं वो काम कर रहे होते हैं उसका दिल है उसका उसके लंग्स हैं और इसी तरह से बाकी जितने भी अज़ा हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट होते हैं इनमें से वाइटल ऑर्गेन्स में से कोई एक अज़ा भी काम करना छोड़ दे तो इससे फिर बाकी अजाक के ऊपर जो है असर पड़ता है तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इस एनालॉजी को यूज़ करते हुए हमें माशरे के अंदर ये बताने की कोशिश करता है कि माशरे के अंदर सारे जो जो उसके एस्पेक्ट्स हैं जो लोग हैं जो ग्रुप्स हैं सोसाइटीज़ हैं इंस्टीट्यूशनस हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और प्रपैचुअली कंटिन्यूसली एक कोशिश करते हैं कि माशरे में इक्विलिब्रियम या बैलेंस बरकरार रहे तो दिस अप्रोच एम्फोसाइज इज द इम्पॉटेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन इन मैंटेनिंग द सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी सो इन पाकिस्तानी सोसाइटी इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म दिस कुड बी अप्लाई टू स्टडिंग द रोल ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन मेनटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी जो है प्रीडोमिनेंटली पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो पैट्रियॉर्कल सोसाइटी में आ, जो जेंडर रोल्स हैं उसमें सेग्रीगेशन होती है जेंडर सेग्रीगेशन की बुनियाद पे मुशरा या सिस्टम जो है वो एडिकेटली तभी फंक्शन कर सकता है जब डिफरेंट जेंडर्स, जेंडर्स जो हैं वो अपने अपने दायरा कार के अंदर अपने रोल्स परफॉर्म करेंगे तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं दे एग्ज़िस्ट इन द सोसाइटी बिकॉज़ दे आर फंक्शनल इन नेचर फॉर दैट सोसाइटी